नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक 19 वर्षीय से कथित तौर पर अपहरण और गैंगरेप की घटना सामने आई। पीड़िता ने बीजेपी के मंडल चीफ समेत चार लोगों को आरोपी बताया। बताया जा रहा है कि बीते 18 फरवरी को युवती अपने घर से लापता हो गई थी। उसके परिजनों ने जैतपुर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बीते रविवार को युवती अपने घर से कुछ दूरी पर बेहोश हालत में मिली। घर वालों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवती को जैतपुर अस्पताल में भर्ती कराया। होश में आने पर युवती ने चार लोगों का नाम लिया है। बीजेपी के मंडल चीफ विजय त्रिपाठी को मुख्य आरोपी बताया। साथ ही उसने बताया कि गैंग रेप में राजेश शुक्ला, मुन्ना सिंह और मोनू महाराज भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक चारों की उम्र 35 से 40 साल के बीच है। पुलिस ने चारों के खिलाफ गैंग रेप और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। एडिशनल एसपी मुकेश कुमार वैश्य ने बताया कि पीड़िता 18 फरवरी से घर से लापता थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पीड़िता अपने घर से कुछ दूरी पर बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। होश में आने के बाद पीड़िता ने बताया कि एक लाल रंग की कार में उसका अपहरण किया गया और फिर एक फार्म हाउस पर ले जाकर उसके साथ कई बार रेप किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आशंका है कि चारों आरोपी उसी लाल रंग की कार में युवती को उसके घर के कुछ ही दूर फेंकने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है और मामले की जांच भी की जा रही है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने एक बयान जारी कर बताया कि आरोपी विजय त्रिपाठी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। चारों व्यक्ति राजेश शुक्ला और विजय त्रिपाठी और मुन्ना मिश्रा हैं। ये चारों लोग मिलके लड़की का अपहरण किए, मुंह बांधकर गाड़ी में ले गए और रेप अटेम्प्ट किया। उसके बाद जब हम कंप्लेन करने गए तो कंप्लेन करने के बाद शाम को लड़की को कुछ पिलाकर नशीली पदार्थ घर के बाहर फेंक के चले गए। कौन कौन लोग थे सर? इसमें राजेश शुक्ला थे जो एक शिक्षक हैं, विजय त्रिपाठी और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं जैतपुर के, और मुन्नू मिश्रा जी हैं। इनको नहीं पता ये क्या करते हैं, ठेकेदारी जैसा कुछ काम है। और तो ये सर 18 तारीख को अपहरण किया था इन्हें, 7:40 का समय रहा होगा। लड़की सब्जी बनाने के लिए कुछ लेने जा रही थी, सब्जी बना रहे थे तो मसाला की जरूरत थी, तो दुकान जा रही थी, दुकान जा नहीं पाई सर, इस बीच में उसका अपहरण कर लिया। सर लड़की को राजेश शुक्ला के फार्म हाउस में रखा गया सर। घटना की जानकारी हमें नहीं हुई सर। हमें घटना की जानकारी तब हुई जब लड़की गेट के सामने आके पड़ी मिली है, तो हम गए हॉस्पिटल लेके गए। जब लड़की को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, उसका इलाज किया, इलाज करने के बाद जब लड़की को थोड़ा होश आया तब हमें पता चला कि ये चारों व्यक्ति आरोपी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। इंजेक्शन या नशीली पदार्थ पिलाया गया था सर इसको, और जबरदस्ती पिलाया गया था। तो सर अठारह तारीख को अब अगवा किए हैं सर, 19-20 तारीख की रात को छोड़ के गए हैं सर। शिकायत हमने की थी सर पहले, तो शुरू में तो नहीं की हमने, हमने सोचा कोई रिश्तेदार के यहाँ चले गए होंगे। जब 20 तारीख की दोपहर में हमने कंप्लेन की तो रात को 10 बजे लड़की को फेंक रिपोर्ट दर्ज की है, और उस रिपोर्ट में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की जा रही है। उसमें उसने बताया है कि उसके साथ में गलत हरकत हुई है, कई फार्म हाउस में ले जाके, और उसमें लगभग 4 आरोपी उसमें आरोपी बनाए गए हैं, और उसमें चारों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध करके और पुलिस के द्वारा उसमें जाँच की जा रही है। चार आरोपियों के नाम क्या है? उसमें आरोपी हैं मुन्ना सिंह, राजेश शुक्ला, मोनू महाराज, विजय किसी राजनीतिक पार्टी से भी संबंधित है ऐसा पता चला? किसी राजनीतिक दल से भी संबंधित है आरोपी? अब इसके बारे में अभी हमने जांच की है, अब बाद में पता पाएंगे।
Thank you.